साथियों अभी सपना स्थान यहाँ पर पंडाल में और इतने ना जब गुंडा माफिया देखे ना कि बाबा का बुलडोजर आवत था। होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था।
हुए। आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से वनों की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आप मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और कट्टा नहीं कवम केरे महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे थे माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए क्योंकि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में हमने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन भाई बहनों ये इसलिए जिससे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके। यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी, दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था सबकी निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा है। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है, दुनिया की नजर भारत निकाय भारत के प्रति बदली है, धारणाएं बदली है। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर कई संकट आता है प्रधानमंत्री मोदी जी की आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा सूडान में 2 जनता आपस में टकरा गए, भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के 431 लोग वहां से वापस आ चुके हैं। भाइयों बहनों सरकार की नियत साफ होनी चाहिए और यही कारण है विगत 9 वर्ष में मोदी जी ने करोड़ों लोगों को मतदान दिया, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के चंदन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में और भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आदि देखी गई किसी का मत और मजहब देखा गया नहीं, विकास सबका तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम तुष्टिकरण पर विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है, अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आने जा रहा है, 1 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे, इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये विश्वविद्यालय इसीलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं, स्मार्ट सिटी स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में शहरों का आतंक नहीं बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों आप
प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके विजन को उत्तर प्रदेश में विजन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया और परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू, भय और दशक के माहौल में जैसे तैसे पर्व और त्योहार निपट पाते थे। अब उपद्रव नहीं है भाइयों बहनों, अब तो उत्सव है, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं चपड़ी में आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोबा का गाना सुनने को मिले इसलिए इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए मई का महीना है, आज 3 मई है, इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पूछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है, ऐसे लगता है जैसे आप सुनी और शिमला में बैठे हुए हैं। हर घर नल क्यों नहीं, जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन होता है,
से बीमारी का समाधान होता है, और इसीलिए हम लोग इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। पार्क मिले, जो सड़क पर लोग कोई कार्यक्रम करके, पार्क अच्छे पार्क बनने चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए, पार्क के सुंदरीकरण के लिए रखरखाव की कमेटी मोहल्ले के अंदर वार्ड के अंदर बननी चाहिए, और नगर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। मेरी पहचान मेरे नगर से हो, मेरे जनपद से हो, फिर मेरे प्रदेश से हो, फिर मेरे देश से हो, ये एक भाव होना चाहिए। और इसके लिए ये तीसरा इंजन भी कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे, इसके लिए हमको गए हैं। अपने प्रत्याशी आपके बीच में उतारे, मैं एक एक करके अपने प्रत्याशियों को बुला रहा हूं। ये प्रत्याशी हमारे नगर पालिका के हैं, नगर पंचायतों के भी, श्री अभिषेक जायसवाल तीनों, ये नगर पालिका आजमगढ़ से, श्रीमती तमन्ना बानो नगर पालिका मुबारकपुर, श्रीमती संजू सोनकर नगर पालिका बिलरियागंज से, और नगर पंचायतों में श्रीमती नीतू जायसवाल अजमतगढ़, श्रीमती अंजू मंजू राय जीनपुर, श्रीमती श्वेता जायसवाल महाराजगंज, श्रीमती गुलाइचा देवी मेहनगर, श्रीमती संगीता बर्नवाल लालगंज, श्रीमती सरोज राजभर मार्टिनगंज, श्री रंजीत वर्मा राजा जहानागंज, श्री धर्मेंद्र निषाद अतरोलिया, श्रीमती उर्मिला देवी पूरनपुर, श्री प्रवीण सिंह निजामाबाद, श्री राम प्रकाश यादव सरायनी, श्री अजय लाल सिरवा। नगरों को स्वच्छ नगर बनाने, सेफ सिटी बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में लोग कार्य करेंगे। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ मार करके मेरे साथ होने के, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ मार करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, क्योंकि पापा चिंता। और भाइयों बहनों, इनको तो चिताना ही।